Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is multiplication. Repeated addition of numbers is known as multiplication. Sign of multiplication, you know, I think you know before, you see in that times table this sign. टू का टेबल आप सबको आता होगा, आपने इस साइन को टेबल्स के अंदर देखा है, आपने देखा भी होगा और आपने ऑब्जर्व भी किया है. रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन, मीनिंग टू से टू वंस आर टू, वन टाइम टू गिव्स टू, टू टाइम्स टू गिव्स फोर, टू थ्रीज आर, मतलब टू को थ्री टाइम प्लस करें तो आपके पास सिक्स आ जाता है, टू फोर्स आर एट, आप टू को फोर टाइम प्लस करें तो आपके पास एट आ जाए, इसी तरह से पूरा टेबल और मोर टेबल आपके पास आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री मीन्स सेवन थ्री टाइम्स. इसका मतलब है कि आपने सेवन ग्रुप ऑफ थिंग्स को थ्री टाइम प्लस करना है, जिससे कि आपके पास आंसर आ जाता है 21. ऑल्सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड विथ सेवन. इसका आंसर भी 21 ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि थ्री मल्टीप्लाइड बाई सेवन मीन्स थ्री सेवन टाइम्स, यानी आपने थ्री को सेवन दफा लिख के प्लस करना है. करके देखिएगा तो आपके पास आ जाता है 21. और मेरा ख्याल है कि आपको टेबल्स भी याद है कि सेवन थ्री जो है वो भी 21 है और थ्री सेवन आर जो है वो भी 21. हमारी बात प्रूफ हो गई कि सेवन को मल्टीप्लाई थ्री से करें या थ्री को मल्टीप्लाई सेवन से करें तो आपके पास आंसर 21 ही आता है. स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है. मल्टीप्लाई की मोर एग्जांपल्स देखते हैं. मल्टीप्लाई 13/5, आप इसको वर्टिकली लिखेंगे, बिगर नंबर ऊपर लिखा जाता है, आप इसके बिलो स्मॉलर नंबर लिखें, और आप इसको राइट साइड से इसकी वर्किंग इसको ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे. और इसको कैसे करेंगे, आपने साइन लिखा, इसका मतलब है टेबल्स पढ़ना, आप फाइव का टेबल थ्री तक पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आप ये भी याद रखें कि आप थ्री का टेबल फाइव तक भी पढ़ सकते हैं. दोनों सूरतों में आपके पास आंसर आता है 15. आपने वंस डिजिट प्लेस किया और टेंस डिजिट को आपने कैरी ले लिया. आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि वंस को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 5 1s are 5, उसमें कैरी डालिएगा, आपके पास आ गया 6, आपके पास आंसर में आ गया 65. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि बिगर नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. जो आपने अपर नंबर पे लिखा होता है, आपने आपने ऊपर नंबर बड़ा लिखा होता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट. और स्मॉलर नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. जो आंसर आपके पास आ जाएगा, यू विल से दिस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लायर, और जो आंसर आ जाता है दैट इज प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चंस में आंसर्स के लिए हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट. इसका मतलब है कि आपने इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. 60 multiplied by 3, आप 3 को 1/1 मल्टीप्लिकेंट के सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, वंस की साइड से. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ गया हमारे पास 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने. ऑलवेज स्टूडेंट्स रिमेंबर that any number when multiplied with 0, the answer will be 0. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0s are 0. उसके बाद आपने 3 को 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, इसका टेबल पढ़ना है, 3 6s are 18.
मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आप 6 का टेबल भी 3 तक पढ़ेंगे तो उस सूरत में भी आपके पास 18 ही आएगा। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 109 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 नाइन्स आर 18, 8 प्लस किया पुट किया आपने और 1 को आपने कैरी ले लिया। अब आप मल्टीप्लायर को जो कि सिंगल डिजिट है आपने इसके 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरोज आर, आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका ज़ीरो आता है, 2 जीरोज आर ज़ीरो। लेकिन बेटा इसमें आपने कैरी को डालना ज़रूरी है, ज़ीरो में 1 प्लस करें तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। नाउ यू विल मल्टीप्लाई हंड्रेड्स डिजिट विद मल्टीप्लायर। 2 वन्स आर 2। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नाइन्स आर 27, 2 विल बी कैरी। 3 वन्स आर 3, उसमें कैरी आपने डाला, आपके पास 5 आ गया। 3 को आपने हंड्रेड्स डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 3 टूज आर 6, आपके पास आ गया 657 इज द प्रोडक्ट ऑफ 219 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इसका प्रोडक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 750 मल्टीप्लाइड विथ 3, यू ऑलरेडी नो 3 जीरोज आर 0, 3 फाइव्स आर 15, 5 विल बी प्लेस्ड 1 कैरी, 3 सेवन्स आर 21, कैरी उसमें आप डालें तो आपके पास आ जाता है 22। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2250। नाउ वी कम टू अदर क्वेश्चंस। दीज आर 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट नंबर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आप वन्स डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑल द डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लीकेंट। इन द सेकेंड स्टेप 10th डिजिट को आपने मल्टीप्लीकेंट के सारे डिजिट्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में दोनों स्टेप्स को प्लस किया जाता है। लेट मी स्टार्ट। आप क्या करेंगे कि पहले आप यूनिट इसको वन्स डिजिट को लेंगे और 1 by 1 मल्टीप्लीकेंट के सब डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 सिक्स आर 18, 8 विल बी प्लेस्ड 1 कैरी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका टेबल पढ़ा, 3 फोर आर 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 3 टू आर 6, कैरी डालना उसमें तो आपके पास आ गया 7। इन द सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर नाउ मल्टीप्लाइंग 10th डिजिट ऑफ मल्टीप्लायर और आपको पता है कि इस 2 की प्लेस वैल्यू जो है ये जस्ट 2 नहीं है, ये 20 है एक्चुअली। तो 20 को बार बार 6 से 4 से 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे कि इस 2, क्योंकि ये 20 है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, हम वो वाला 0 20 के साथ वाला 0 यहाँ पर सेकंड स्टेप में ऑलरेडी पुट कर देंगे। अब आप जस्ट 2 को 1 by 1 सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 आर 12, आपने 2 पुट किया, 1 कैरी, ये सेकंड स्टेप की कैरी है, ये ऊपर आएंगी। 2 4 आर 8 प्लस ये सेकंड स्टेप की कैरी 9, और अब सेकंड स्टेप में और कैरीज नहीं है तो 2 2s आर 4 आ गया। दोनों स्टेप्स को फाइनली हम ऐड करेंगे। 8 में 0 प्लस किया, जाहिर है जी 8 आ गया। 3 में 2 प्लस किया 5, 7 और 9 को प्लस किया, या 9 में 7 प्लस करें 16 आया। 6 प्लेस किया 1 कैरी, लास्ट ये जो कॉलम है इसको प्लस करें तो आपके पास आ गया 5। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। लाइकवाइज आप इन स्टेप्स को भी आप सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही स्टेप्स हैं कि आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लायर का वन्स डिजिट लेंगे और 1 by 1 मल्टीप्लीकेंट के सब डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे।
ज़ीरो को आपको पता है कि जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आता है। ज़ीरो थ्रीज आर ज़ीरो, ज़ीरो फाइव्स आर ज़ीरो, ज़ीरो वन्स आर ज़ीरो। इन द सेकेंड स्टेप, बिकॉज नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो सिर्फ फोर नहीं है, फोर्टी है। आप इसका ज़ीरो पहले से ही यहाँ पुट कर देंगे वंस प्लेस के ऊपर, और सिर्फ फोर को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन, वंस के साथ, टेंस के साथ और हंड्रेड्स के साथ। फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, टू विल बी प्लेस्ड वन कैरी। फोर फाइव्स आर ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन, वन विल बी प्लेस्ड टू कैरी। फोर वन्स आर फोर, और उसमें कैरी डाला स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ गया सिक्स। और आपको पता है कि इसके बाद कौन सा स्टेप आने वाला है जी, इसके बाद हमें इनको प्लस कर देना है। ज़ीरो में ज़ीरो प्लस किया ज़ीरो, ज़ीरो में टू या टू में ज़ीरो प्लस करें टू, ज़ीरो में वन या वन में ज़ीरो प्लस करें वन, और सिक्स। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, एंड यू विल डू मोर प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक। एंड आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंशाल्लाह।